रायपुर में प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ का आंदोलन जारी। 33,000 शिक्षकों की भर्ती समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती कराने और युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित डीएड व बीएड संघ का आंदोलन जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से नवा रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पहुँचे हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जल्द से जल्द मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्यवाही करने का आग्रह किया है। सभी जानते हैं हम अपने से नहीं सरकार से परेशान। इसमें से एक भी व्यक्ति पांचवी के नीचे नहीं, वेल एजुकेटेड। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा दे तो घर में ज्वाइनिंग लेटर जानी चाहिए, ना कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए इस जगह में आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये सोच रखी है कि हम वोट के लिए तुम्हारे घर घर जाते हैं तो तुम भी पोस्ट के लिए मेरे दरवाजे तक आओ, ऐसा मुझे सरकार की मंशा लगती है। और ये जो सरकार है ये सिर्फ बीजेपी वाली बात नहीं है, 2008 से हम लोग आंदोलन में जुड़े हुए हैं। रमन सरकार भी वही है, साय साय भी वही है और भूपेश बघेल भी वही है। लेकिन ये लोग ना पीएससी कोचिंग आईएएस नहीं किए हैं लोग, इसलिए इन लोगों को जानकारी नहीं है। और एक जने जानकारी है तो दोगला बन के घूम रहा है। उनको शायद पता नहीं है कि रीज्वाइनिंग नहीं होती आईएएस में। अब उनको इन्हीं कुटुंब के बीच में रहना है। यही दरवाजा आपके लिए खुला है, अब आईएएस की दरवाजा आपके लिए बंद हो चुका है। और इसी युवाओं को सहारा लेके आप सत्ता में आए और इसी युवाओं ने आपको सत्ता का सुख दिया और आज हम लोग को रोड में बैठा दिए आप। किस कदर हमारे युवाओं को तोड़े हो अंदर से लेकर। शायद ये लोग अब्राहम लिंकन की इतिहास नहीं पढ़े, शायद नेपोलियन की इतिहास नहीं पढ़े। एक मजदूर का बच्चे हैं ये लोग जो अपने देश के चांसलर बने, क्या पता इन्हीं में से कोई सीएम बन के निकल जाए। उस दिन ये मत बोलना जब आपको हम जेल में डाल देंगे। पिछला आंदोलन में हमारे भिलाई के मित्र को डंडे डंडे मारे, थाने तक पहुंचा दिया, यहां तक रिवॉल्वर निकालने कगार में आ गए थे भाई। इस कदर हम लोग यहां रिवॉल्वर निकाले आए हैं, हम लोग नक्सली बेल्ट तक नहीं है, हम लोग हथियार नहीं उठा सकते। लेकिन सरकार हमें इस कदर तोड़ रही है तो हम लोग अभी संवैधानिक मार्ग में ही चलेंगे। हम लोग नक्सली बनने के लिए बीएड नहीं किए हैं, हम लोग नक्सली बनने के लिए आईएएस की ट्रेनिंग नहीं किए हैं हम लोग। लेकिन सरकार हमको इस कदर तोड़ रही है कि हम लोग के बीवी बच्चे भी छोड़ने के कगार में आ गए। रात में बिस्तर में जाते ही हमारी बाई क्या बोलती, क्या बोले थे आप, हमारे माँ बाप ने आपको टीचर देख के दिया, आज सरकार निकाल दी ज्वाइनिंग दिखा बोलती है। और सरकार की रवैया ऐसी है कि कापी पढ़ो, हाई कोर्ट की कापी पढ़ो। चुनाव दौरान हाई कोर्ट लेके आया था क्या मेरे पास, बताइए आप लोग, इतने लोग बैठे हो हाई कोर्ट के जज को लेके आए थे क्या वो कि मुझे ओवर दो करके। कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है सर। इस युवाओं को सरकार देखे, इन पढ़े लिखों को देखे। जब तक कोई देश अगर यदि विकसित बनता है तो पहले वहां शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। अगर यदि आपको 2047 का विजन बताते हो, 2029 का तो चिंता कर लो। 2029 में आपका क्या हाल होने वाला है। विश्व गुरु बनने की बात करते हो, भरे विधानसभा में एजुकेशन मिनिस्टर झूठ बोलता है, कितना शर्म की बात है। हम लोग तो छोटे जगह से आए हैं, दो चार किताब पढ़े हैं। हम सबके आप बाप हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आपके एक कलम से ना जाने कितने की नौकरी अंदर होती है और कितनी की बाहर हो जाती है। और वो विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं बताइए आप। और उसने स्पष्ट कहा हमने पास किया हुआ है, उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं है सर बताइए आप, उसके बाद पोस्ट नहीं है सर। तो इन लोग ना आदत बना ली है भाई, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तीसरी पार्टी तो है ही नहीं है।
घमंड उसी का है और कुछ घमंड नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक इनका नंबर लगा है पारी। बचपन में हम लोग खेलते हैं ना, तोर पारी मोर पारी, हाँ ऐसा। इनको मालूम है सर, इन लोग जितना भी घोटाला किए हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर किए, एसआई का क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि उसमें दो लोगों ने पैसा ले लिया होगा, एक भूपेश सरकार एक सांसा है, फंस गए हैं। और ये लोग हम लोग को जेल का डर दिखाते हैं, आपको बता रहे हैं नोटिस भेजते, हजार बार जेल जा गए, 2008 से डंडे खा रहे हैं हम लोग। आज की बात नहीं है, पीएससी इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, हम लोग डंडा खाने में आदी हो गए, ले जा लो फांसी चढ़ा दो। ऑन कैमरा बात कर रहे हैं सर, तो इस सरकार से निवेदन है इस भरते जवानी में किसी के जवानी से खेलो मत, किसी भी व्यक्ति के जीवन से खेलो मत। आप राजनीति में हो, आपके हाथ में कलम है और उस कलम का सही जगह प्रयोग करो, क्योंकि ये युवा जिस दिन बटन गलत जगह दबा देगी ना, तुम कहां फेंकाओगे पता नहीं चलेगा। तो मुझे समय थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग, और इतनी गर्मी एहसास कीजिए आप, मालूम है आप लोग अभी इस वक्त आप एसी में होते। अगर सरकार सही समय में सही टाइम पे उचित वक्त पे अगर काम कर लिया होता तो आप लोग अभी सही जगह पे रहते, ये धुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस हवा से उस सरकार को कितना असर होगा वो आने वाले समय में पता चल जाएगी। हजार शिक्षक भर्ती के वादा बिरजू काका के, बिरजू काका नहीं 40 का वादा, 33,000 शिक्षक भर्ती के वादा बिरजू काका के नहीं 40 वादा, विधानसभा में घोषणा करे इहू लाए मन भुला जाएगा।